लास्ट वीडियो में हम लोग HTML सॉरी लास्ट वीडियो में डेटाबेस और उसके टेबल के बारे में समझा था कि कैसे बनाते हैं, कमांड के तरीके से भी और GUI तरीके से भी, दोनों तरीके हम आपको बता दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग इसके लिए फॉर्म तैयार करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने XAMPP फोल्डर में जाएंगे। XAMPP फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर HTDocs के अंदर में एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं यहाँ पर कोड विद सादिक, ठीक है, प्रोजेक्ट। तो इस तरीके का कोड भी सारी प्रोजेक्ट रखा और इसको वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं फटाफट और अपना काम आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें हम लोग यहाँ पर इस जगह पर इंडेक्स डॉट पी एच पी एक फाइल बना देते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, डेटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देना, ठीक है। तो अपना पी एच पी शुरू कीजिए और कनेक्शन करने के लिए आप कनेक्ट नाम का एक वेरिएबल रख लीजिए CON नाम से और इसमें लिखिए माई स्क्वेल आई कनेक्ट। कनेक्शन करने के लिए जो फंक्शन है उसका नाम ये है। इसमें टोटल चार पैरामीटर पूरा करना है आपको, चार पैरामीटर जिसमें हम लास्ट में और डाई लगा दीजिएगा, अगर कोई इस तरह का एरर आएगा तो वो डाई की स्थिति में बता दीजिएगा। एक मिनट, डाई में मैसेज डाल दीजिए कि DB कनेक्शन फेल, अगर किसी वजह से कनेक्शन नहीं हो पाएगा तो ये। इसमें जो चार पैरामीटर है वो टोटल चार पैरामीटर डिस्कस करता है। पहला पैरामीटर होस्ट नेम के बारे में, दूसरा पैरामीटर है यूजर के बारे में, यूजर नेम के बारे में, तीसरा पैरामीटर पासवर्ड के बारे में और चौथा पैरामीटर डेटाबेस का नाम के बारे में। तो चारों पैरामीटर आपको फुलफिल करना है। तो आप इस चारों पैरामीटर में डेटा डालिए, होस्ट नेम आपका हो गया लोकल होस्ट, यूजर हो गया रूट, पासवर्ड आपका कुछ नहीं है तो डेटाबेस का सीधा नाम लिखिए कोड विद सादिक, इजी। तो ये आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया और ये आपका पीएचपी बंद। ये आपको सबसे टॉप मोस्ट पे कर लेना ताकि आपका काम सबसे कनेक्शन पहले ही हो जाए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, HTML का कोड जो लिखना है वो लिखना शुरू करेंगे और हम यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट रिकॉर्ड। सिर्फ इंसर्ट सीख रहे हैं हम लोग, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंसर्ट कराने के लिए फॉर्म, फॉर्म टैग होना चाहिए, बिना फॉर्म टैग के फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। एक्शन में आप इसी पेज को मेंशन कर सकते हैं क्योंकि PHP हम इसी पेज में लिखेंगे और मेथड आप इंसर्ट करने के लिए पोस्ट, पोस्ट मतलब भेजना होता है हम सब जानते हैं, इसके अंदर आप अपना डिजाइन का काम करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मार्जिन बॉटम थ्री करके डिवीजन बना लेते हैं ब्लॉक लेवल का और उसके अंदर लेबल डाल देते हैं। हम सब जानते हैं लेबल में यहाँ पे हमको लिखना है नेम और ये पब्लिक को दिखाने के लिए तो इसमें एन कैपिटल लिख देते हैं। इसके जस्ट नीचे हम लोग इनपुट टाइप और यहाँ पे आईडी मेंशन करते हैं जो कि नेम है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एट्रीब्यूट में नेम, इसका नाम नेम ही रख लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है नेम क्योंकि इसी नाम से हम लोग डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट वेरिएबल में एक्सेस करते हैं, ये की बन जाता है एरे ऑफ फॉर्म हैंडलिंग में। हम लोग कई बार देखा है एंटर योर नेम ऐसे मैसेज आ जाएगा। इसके बाद हम लोग का दूसरा फील्ड ईमेल है, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पे यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर ये सब जगह ईमेल हो जाएगा, ऑफ कोर्स इनपुट टाइप भी ईमेल हो जाएगा क्योंकि इनपुट टाइप ईमेल ऑप्शन है। तो हम लोग का जो ये जो नेम है इस पर ध्यान रखना, नेम हम जो लिखते हैं वही नाम से हम उसको एक्सेस करते हैं, तो नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए। फॉर्म में दो चीज़ों का नाम सेम नहीं होना चाहिए और नेम जो है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, यानी वो बता रहा हो कि क्या है, ठीक है। तो ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉन्टैक्ट, ये इतना ही है मेरे पास। अब हम कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ यहाँ बदल देते हैं, तो हम मल्टी कर्सर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आई बटन प्रेस करते हुए और कॉन्टैक्ट लिख दे रहे हैं ताकि, और ये इनपुट टाइप में टेल लिख देंगे, टेल एक ऑप्शन है टेलीफोन नंबर लिखने के लिए। और लास्ट है बटन, सबमिट बटन, तो हम यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट लगाएंगे बट इसका भी नाम लिखना जरूरी है क्योंकि बटन को टारगेट करना पड़ता है। तो हम यहाँ सेंड नाम रख रहे हैं बट पब्लिक में इसका नाम क्रिएट लिख देंगे, पब्लिक को दिखेगा क्रिएट नाम से। और ऐसे ही हम लोग क्लियर करने के लिए भी एक बटन बना सकते हैं लेकिन उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको टारगेट कहीं नहीं करना है, लेकिन इनपुट टाइप रिसेट होगा। ये मेरा फॉर्म है HTML का, बहुत बेसिक सा फॉर्म है जिसके बाद हम लोग के पास PHP अवेलेबल होगा। तो PHP जो हम लोग करेंगे वो हम लोग ये चाहते हैं, मैं PHP से पहले आउटपुट दिखाता हूँ आपको। देखिए लोकल होस्ट स्लैश कोड विद सादिक, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, कई बार कीजिए तब आपको और क्लियरिटी मिलेगा। ये हमारा फॉर्म है जिसका कोई CSS डिजाइन नहीं है फिलहाल के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम क्रिएट बटन पे क्लिक करें तब मेरा PHP एक्शन में आए, अभी नहीं जब पेज खुला तब नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे,
हम यहाँ पर एक छोटा सा पीएचपी स्क्रिप्टिंग करते हैं, एंड भी ध्यान से लगा लीजिएगा, इफ स्टेट, ठीक है, इफ स्टेट अगर ऐसा होता है तो, या फिर आप पेज सेपरेट कर सकते हैं, मैं दोनों बताता हूँ आपको। पेज सेपरेट करने के लिए आपको एक्शन बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेज जो सेपरेट करने जा रहा हूँ पीएचपी का, तो उसके लिए इसका नाम रख लेते हैं पीएचपी कोड डॉट पीएचपी, ऐसे नाम रख लेते हैं। हालांकि नाम कुछ भी रख सकते हैं, एक बात ध्यान रखना है कनेक्शन यहाँ किया हुआ है तो आप कनेक्शन यहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि पीएचपी का काम वहाँ होगा, तो कनेक्शन अब वहाँ चाहिए तो हम कट कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। ये मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, वही कनेक्शन का कोड लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्रिंट आर से हम लोग जानते हैं एरे प्रिंट होता है, और हम सब जानते हैं कि पोस्ट एरे है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट क्या है, एरे है। तो हम लोग है ना इसमें इस पेज में आने के लिए एक्शन को उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, यानी पीएचपी कोड डॉट पीएचपी पेज में भेज देंगे, ऐसा, ठीक है ना। या फिर इसका नाम हम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो हम इसका नाम वर्क रख लेते हैं, काम, इसमें काम किया हुआ है, यानी प्रोसेस का काम उधर है वर्क। तो नोटिस करेंगे जब हम इसमें सबमिट करेंगे कोई डेटा, जैसे हम यहाँ पे शादी के साथ लिखा, यहाँ पे ईमेल आईडी डाला और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, तो हम जब क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमको एक पूरा कंप्लीट एरे मिलता है। एरे तो पीएचपी का पार्ट है, तो ये पेज को रिफ्रेश करेंगे या पीछे जाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इस एरे का डेटा उठकर किसमें चला जाए, तो मेरे पास ये एरे है, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने कोड में कमेंट में लिख देता हूँ, ताकि तुमको ये बार बार दिखाया जा सके कि एरे कैसा था, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छा से स्ट्रक्चराइज कर देता हूँ ताकि और अच्छा दिखे, एक मिनट, मल्टी लाइन एरे, मल्टी लाइन कमेंट बना रहे हम, इससे क्या होगा, हम बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं। तो ये पहला लाइन है, ये दूसरा है और ये तीसरा, देखो थोड़ा सजा देते हैं, हम वहां से कॉपी करके लाया और चौथा ही है बटन, ठीक है। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि ये एक पूरा कंप्लीट एरे है जो कि हमको आउटपुट के तौर पे मिलता है डॉलर जस्ट पोस्ट की मदद से। ध्यान से समझना, थोड़ा लॉजिक है यहाँ पे। तो हम लोग इसके की को एक्सेस करेंगे, तो इसका मतलब हम इंडिविजुअल डेटा एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो हम इसका मतलब है कि यहाँ पर इस एरे के अकॉर्डिंग कोड लिखेंगे, इस एरे के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेरी बनाएंगे। क्वेरी हम लोग जानते हैं इंसर्ट करने का, क्वेरी जो होता है वो होता है इंसर्ट, इंसर्ट इनटू अ टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हम लोग रखा है यूजर्स, ठीक है, छोटी ब्रैकेट और सारे कॉलम का नाम लिख दीजिए, सिस्टमेटिकली जरूरी नहीं है लेकिन रिस्पेक्टिवली जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट और सेंड, लेकिन सेंड बटन है तो उसको नहीं डालना। नेम, कॉन्टैक्ट, हम सब जानते हैं आईडी भी एक कॉलम था, बट वो ऑटो इंक्रीमेंट होने की वजह से उसको यहाँ मेंशन नहीं करना। फिर हम लोग को लिखना है वैल्यू, और उसके बाद छोटी ब्रैकेट में सिंगल कोट, सिंगल कोट, सिंगल कोट, सिंगल, जितना भी है तीन ही है। देखिए ये कंप्लीट क्वेरी तैयार हो गया। तो हम चाहते हैं नेम में क्या स्टोर हो जाए, ये नेम स्टोर हो जाए। तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, इस एरे को एक्सेस करने के लिए क्या लिखे थे हम लोग, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ऐसे लिखे थे, और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हम सब जानते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस तरह का वेरिएबल नहीं लगा पा रहे, देखो तुम नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे इस तरह का वेरिएबल ठीक से काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वेरिएबल सबस्क्रिप्ट के साथ है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर आने के बाद यहाँ पर एक वेरिएबल लोकल बना देंगे, एरे से लोकल में ट्रांसमिट कर देंगे, क्या करेंगे ऐसे डाल देंगे। तो वो एरे का डेटा, एक सिंगल डेटा नेम उठ के किस में स्टोर हो गया, डॉलर नेम में, और वो डॉलर नेम कहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे। अब एक ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर हमको कहीं जाना है, पटना के किसी कोने में जाना है, तो वहां तक ट्रेन नहीं जाती है, ट्रेन मान लो एरे की तरह, ठीक है, वो स्टेशन तक ही जाएगी, उसके बाद हम आगे उसको छोटे व्हीकल का इस्तेमाल करके हम पहुंचेंगे। तीसरा छोटे व्हीकल यहाँ पे लोकल वेरिएबल जैसा, ठीक है ना, ऐसे मेक सेंस, ठीक है, थैंक यू। अब इसी तरीके से हम बाकी वेरिएबल के साथ भी करेंगे, जैसे ईमेल, और ये देखो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट बड़ी ब्रैकेट ईमेल, और इसी तरीके से कॉन्टैक्ट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट कॉन्टैक्ट। तो हम तीनों वेरिएबल के साथ ऐसा किया कि हम एरे का डेटा उठाकर एक लोकल वेरिएबल में डाला, क्योंकि लोकल वेरिएबल बीच के स्ट्रिंग में आ सकता है लेकिन एरे वाला वेरिएबल नहीं आ सकता है। तो हमने डॉलर दूसरा, देखो इसको रिस्पेक्टिवली लिखना है, अगर आपने पहला कॉलम नेम लिखा है तो आपको डॉलर नेम, फिर दूसरा कॉलम ईमेल, और तीसरा कॉन्टैक्ट, क्वारी तैयार। अब इस क्वारी को हम प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है, कि क्वारी ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, एको क्वारी,
अब मैं इस क्वेरी को प्रिंट कर रहा हूं, देखिए क्या ये क्वेरी लिखा हुआ ठीक है, एक बार क्वेरी देख लीजिए, कोई मिस्टेक, परफेक्ट, ये एकदम इसको मेरा क्वेरी तैयार हो गया। ये किसे जनरेट हुआ, वेरिएबल्स की मदद मतलब से जनरेट हो गया। तो जो डॉट डेटा हम फॉर्म में डाला था वो क्वेरी में आ गया, जो डेटा हम फॉर्म में डाला था डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट की मदद मतलब से वो उठ के कहाँ आ गया, क्वेरी में आ गया। तो क्वेरी में जब आ गया तो उसको चला देना है, डेटा बेस में घुसा देना है। तो इसको चलाने के लिए आपको एक फंक्शन याद रखना होगा, देखो हम रन नाम का फंक्शन रख लेते हैं, फंक्शन का नाम है माई एसक्यूएलआई क्वेरी। इसमें सबसे पहले कनेक्शन का नाम दे दीजिएगा, कौन सा डेटा बेस का कनेक्शन, तो उससे पता चल जाएगा उसको डेटा बेस कौन है, डॉलर अंडरस्कोर कौन जो वेरिएबल ऊपर बना हुआ है, और दूसरा क्वेरी, बस हो गया ठीक है। तो अब ये रिस्पॉन्ड करेगा वन, देखो वन मतलब ट्रू, अगर हम इसको इको करके देखें तो ये हमको रिस्पॉन्ड करेगा वन जब ये चल जाएगा, और जीरो जब ये नहीं चलेगा, मतलब 0 1 ट्रू फॉल्स देगा। तो देखो ये अभी क्या रिस्पॉन्ड किया, तो इसका मतलब है कि चला गया। तो डेटाबेस चेक करें, ये मेरा डेटाबेस है, यूजर पे क्लिक किया और यहाँ देखिए डेटा आया कि नहीं आया, वाह वी गॉट डेटा ठीक है विद वन नंबर। अब हम इसका मतलब है कि अगर हम वन आ गया है तो इसको इफ एल्स कर सकते हैं और एक बढ़िया सा मैसेज दे सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको इफ में डाल देंगे, इफ अगर रन हो गया, रन मतलब वन हो गया, ट्रू मतलब वन हो गया, तो फिर बढ़िया से एको करो कि रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ये देखिए सेलिब्रेशन हमेशा होना चाहिए मैसेज के साथ, सेलिब्रेशन इस बात का कि हाँ हो गया सब कुछ, और नहीं हो पाया तो लिखना है समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हो गया। कैसे पता चलेगा कुछ गड़बड़ हो गया, जैसे ही सिंगल कोट हटा देते हैं, तो ये गलत हो गया क्वेरी। आप देखिए, ओ ये तो हमको क्वेरी का ही एरर बता दिया कि भैया आप क्वेरी में गलती की है, समथिंग वेंट रॉन्ग में मत क्या करते, कॉलम का नाम, कॉलम का नाम नहीं, ये भी बता देगा एरर। खैर छोड़िए, देखिए ठीक है, तो हम हमको यहाँ पे जब सक्सेसफुली का मैसेज आ जाए उसके बाद हम पीछे आए, बैक आ जाए, फॉर्म में वापस आ जाए, तो एक बटन यहाँ दे देते हैं ताकि हम पीछे आ सके। तो यहीं पे जहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज है वहाँ पे एक और एको लगा दो, HTML का टैग, ए टैग, HREF, हम सब जानते नहीं, सब गो बैक लिख देते स्क्रीन पर, और ये ए टैग को बंद कर देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कहाँ कौन सा पेज जाना है, इंडेक्स.html, खत्म बात, देखो गो बैक आगे, तो इंसर्ट करेंगे मैसेज मिलेगा पीछे जाएगा, तुम चाहते हो कुछ पूछे उछे नहीं सीधा पीछे आ जाए वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए क्या करें रिडायरेक्ट करा देंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक तो बीयर का टैग मस्ट चिपका देते हैं ताकि नीचे आए, तो अब हम इसमें डेटा डालते हैं, देखो रॉनी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली गो बैक ठीक है। अब सक्सेसफुली जिसका हुआ उसका नाम भी आ सकता है, आपके पास ये वेरिएबल है आप ही वेरिएबल को यहाँ पे लिख दीजिए डॉलर नेम एपेस्ट्रॉफी एस लगा दीजिए, अब क्या आएगा रॉनीज रिकॉर्ड सक्सेसफुली, गौरव रिकॉर्ड जो नाम डालेंगे, तो देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आप देखिए पूजा p@gmail.com और समथिंग लाइक मोबाइल नंबर पूजा रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, अब एवरी क्या हो गया पर्सनलाइजेशन हो गया है ना, तो ये इस तरह से हम लोग पॉसिबल है। तो हम जो ये एरे लाया था डमी के तौर पे लाया था ताकि हम तुमको बता सके ये कैसे काम कर रहा है, ये पूरा पूरा लॉजिक है यहाँ लिखा हुआ, दैट इज जस्ट लाइक ए इंजन इन अ बाइक ठीक है। स्ट्रक्चर तो एसक्यूएल बना लेता है, सीएसएस डिजाइन कर लेता है, जावास्क्रिप्ट इंडिकेटर इंडिकेटर डाल देता है, ये पूरा लॉजिक लिख देता है। फिर क्या करेगा पिक कर रहा है किससे, फॉर्म से उठा के किसमें डाल रहा है लोकल वेरिएबल में, लोकल वेरिएबल में क्या कर रहा है क्वेरी बना रहा है, क्वेरी को क्या कर दिया जा रहा है रन कर दिया जा रहा है, क्वेरी रन होने से क्या हो रहा है MySQL का डेटा उसमें स्टोर हो जा रहा है, ये सारी कहानी ठीक है। ये है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट।